दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं अपनी वीडियोस के माध्यम से कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज एजुकेशन, शिक्षा जो आप लेते हो, जितनी नॉलेज आपको है अलग अलग सेक्टर्स की, अलग अलग फील्ड्स की, ये नॉलेज आपको पढ़ने से मिलती है, एजुकेशन प्राप्त करने से मिलती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब कि एजुकेशन लीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, जिस भी सेक्टर में आपने एडमिशन लिया है, जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके मास्टर बनके दिखाइए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पर, कॉलेजेस पर, कोर्सेज पर भी हमने वीडियोज़ बनाई हैं, आपको बताया है सभी चीज़ों के बारे में। बहुत दिनों से हमसे लगातार सवाल पूछ रहे थे स्टूडेंट्स कि सर, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज जो यूनिवर्सिटी है, 22 में क्या नए कुछ अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास आए हैं? क्या इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है? कौन कौन से अप्रूवल्स हैं? यही सब जानने के लिए हमने यूनिवर्सिटी के पास अपनी एक क्वेरी सेंड की कि हमें 2022 के अप्रूवल्स की लिस्ट चाहिए, हम जानना चाहते हैं आपके पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के साथ में किसी भी यूनिवर्सिटी की, और हम अपने उस कर्तव्य को पूरे करने की कोशिश करते हैं कि आपको सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में पूरी नॉलेज आप तक पहुंच सके। यूनिवर्सिटी के पास 2022 में कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, क्या यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन ले सकती है अलग अलग कोर्सेज के अंदर, उन सब के बारे में आज मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हमेशा से मैं और मेरी टीम यही कोशिश करते हैं कि आप तक ट्रांसपेरेंसी तरीके से मैं इस हिंदुस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है, कैसे कैसे आपके एडमिशंस होते हैं, कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज होती हैं, बहुत लुभावने वादे करते हैं, बहुत लुभावने एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, आप एडमिशन लेते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी हर एक वीडियो मैंने बोला है, यूनिवर्सिटी को बिना विजिट करे एडमिशन बिल्कुल ना लें। यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें, स्टाफ से मिलें, फैकल्टीज से मिलें, साथ में देखिए प्लेसमेंट्स क्या दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बातों में ऐसे ही बिल्कुल ना आए, कोई भी वीडियो देखकर, किसी में भी सिर्फ अप्रूवल्स को देखकर ऐसे एडमिशन ना लें। अपने विवेक से काम लें, तभी एडमिशन लें, जब जाकर पूरी तरह से आप तसल्ली कर लें तब तक एडमिशन बिल्कुल ना लें। अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज से हमने जो क्वेरी अपनी रेज की थी, क्या क्या अप्रूवल्स हैं आपके पास, यूनिवर्सिटी ने हमें पूरा प्रॉस्पेक्टस ये भेजा हमारे पास। इस प्रॉस्पेक्टस में सब कुछ मेंशन है कि 2022 में यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं। यूनिवर्सिटी ने प्रॉस्पेक्टस में बहुत चीजें जिक्र की हैं, बताई हैं। आज मैं इसी प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से ही आपको बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, और यूनिवर्सिटी को ट्रांसपेरेंट रहना भी चाहिए। और हमें भी अच्छा लगा जब हमने अपनी क्वेरी रेज की तो यहां पर प्रॉस्पेक्टस हम तक पहुंचा। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में जैसे पहला पेज आप खोलते हैं तो यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब जो कमल लोचन जिनका नाम है, उनकी यहां पर तस्वीर के साथ में काफी डिटेल्स यहां मेंशन की है इस यूनिवर्सिटी ने, और साथ में ही यहां पर मेंशन है डॉक्टर अश्विनी लोचन की डिटेल्स भी यहां पर डाली गई है, जो कि फाउंडर मैसेज में मेंशन है, फाउंडर्स मैसेज में डिटेल्स डाली है क्या क्या इनके मैसेज हैं आप लोगों के लिए। साथ में ही वाइस चांसलर साहब की डिटेल डाली हुई है, प्रोफेसर एम मोहन कुमार। अब बात हम कर लेते हैं पहले अप्रूवल्स, जो आप लोगों ने हमसे क्वेरी रेज की थी इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स क्या क्या हैं, एडमिशन लेके नहीं। यूनिवर्सिटी का जो 2022-23 का जो प्रॉस्पेक्टस है, ये तो बहुत कुछ बोलता है, बहुत सारे एफिलिएशंस दिखाए हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स दिखाए हैं इसके अंदर, पर मुझे जो देखने में अच्छा लगा इस पूरे प्रॉस्पेक्टस को पढ़ने और समझने के बाद, यहां पर इन्होंने लिखा है, द अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज इज द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच इज ड्यूली accredited बाय द नेशनल असेसमेंट accreditation काउंसिल NAC। मतलब कि NAC की पहली यूनिवर्सिटी है, जो कि वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर बात करूं तो वहां पर जिसके पास NAC का अप्रूवल, NAT accreditation हुआ है। यूनिवर्सिटी के पास हम बात करें UGC, UGC पर यूनिवर्सिटी का नाम है, हमने बताया था कहां पर मेंशन है, उस चीज को आप देखेंगे बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। साथ में ही यूनिवर्सिटी के पास मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, मतलब कि AIU, जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से आते हैं वो वाली बात इस चीज़ को जानते हैं। साथ में यूनिवर्सिटी के पास है BCI का अप्रूवल 3 साल की, और 5 साल की जो लोग LLB करते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, प्रॉस्पेक्टस से हम जो आपको रिव्यू कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस में जो लिखा है वही बता रहे हैं।
आप यूनिवर्सिटी जाइए, किस यूनिवर्सिटी को आप चाहते हैं कि हम विजिट करें आपको बताएं, कैंपस कैसा है, कैंपस की वीडियो शूट करें, और साथ ही बताएं दिल्ली से यूनिवर्सिटी तक जाने का क्या ईजी तरीका है। आप चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या इस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स या किस चीज़ के बारे में या इस यूनिवर्सिटी को हम विजिट करें। अगर मेरे पास कमेंट्स ठीक ठाक होंगे इस यूनिवर्सिटी को विजिट करने के लिए, हम अपने खर्चे पर यूनिवर्सिटी जाएंगे, विजिट करेंगे और पूरा आपको बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में। क्योंकि यूनिवर्सिटीज बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, बट कैंपस की धरातल पर अगर देखा जाए तो वहां पर कैंपस ठीक सा होता नहीं है। BCI का यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, साथ में NCTE का, मतलब BEd यूनिवर्सिटी करा सकती है। यहां पर एक अच्छा अप्रूवल देखने को मुझे मिला इस प्रोस्पेक्टस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर हम जब वेबसाइट पर देखते हैं तो इजीली चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो प्रोस्पेक्टस में जो मेंशन है यहां पर आप देखोगे तो लगभग ये 7वें नंबर पर जो अप्रूवल है इसको आप देखना, यहां पर RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI वो होता है जिसमें कि जितने भी क्या फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं, सुनने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे स्टूडेंट्स को BEd जो स्पेशल एजुकेशन में कराई जाती है उसका यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है। 6 कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं उस पर मैंने BEd इन स्पेशल एजुकेशन की जो वीडियो बनाई है आप उसमें देखेंगे, जान जाएंगे इजिली। या कोई भी क्वेरीज आपकी होती है कमेंट बॉक्स में आप जरूर रेज करना और पूछना अपने सवालों को। साथ में यूनिवर्सिटी के पास PCI का अप्रूवल है, मतलब 2 साल का डी फार्मेसी 4 साल का बी फार्मेसी यूनिवर्सिटी करवा है। जब AICT के अप्रूवल की बात करते हैं, वहां जब मेंशन किया हुआ 8वें नंबर पे, यहां पर AICT के बारे में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कोई भी टेक्निकल कोर्स करेंगे, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, उसके लिए AICT जरूरी होता है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इसकी मान्यता की जरूरत नहीं होती, वैसे भी कोर्स चला सकते हैं, बट AICT अप्रूव्ड कोर्स जो होते हैं वहां ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, फ्यूचर में जब आप आगे जाते हैं कोर्स करने के लिए। यहां लिखा हुआ है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन्होंने लिया हुआ है। यही जो मैंने आपको बताए हैं लगभग 7, 8 या 9 जो अप्रूवल्स हैं, ये तो अच्छे अप्रूवल्स हैं, बट बाकी सभी भी ठीक हैं, बट वो सारे इन्होंने बताए हैं एक्रीडेशन एंड टाइप्स जो यूनिवर्सिटी के हैं, पूरा प्रोस्पेक्टस भरा हुआ है उन चीज़ों से, बट जो मेन अप्रूवल्स थे वो यही थे। स्पेसिफिकली UGC के बारे में जानना चाहते हैं, RCA के बारे में जानना चाहते हैं, या BCI, ये किस ऐसे अप्रूवल या कितनी सीट्स हैं इनके पास, उन सब के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये प्रॉस्पेक्टस हम लोगों को बाय पोस्ट भेजा है, और भी कई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप लोगों ने हमसे क्वेरीज रेज की थी, उन पर भी हम वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। जब भी हमारी वो क्वेरीज जो हमने यूनिवर्सिटीज से पूछी हैं हमारे पास चीज़ें आती हैं तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये था प्रॉस्पेक्टस 22-23 का जो कि है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ का, जो इन्होंने हमें भेजा, थैंक्स इसके लिए। और बाकी चीज़ें जो हम एक्सप्लोर कर पाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत जल्दी करेंगे। किस यूनिवर्सिटी हम जाएँ, किसको विजिट करें, और किस कोर्स को या यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना, कोशिश बिल्कुल करेंगे यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें, अच्छी तरह यूनिवर्सिटी को हम एक्सप्लोर कर पाएं। बट एडमिशन आप तभी लें, यूनिवर्सिटी को अच्छे से विजिट करें, देखें इनके एक्रेडिशंस को, देखें एफिलिएशंस को, देखें स्टूडेंट्स कितने पढ़ते हैं, देखें जाके फैकल्टी मेंबर से मिलें और प्लेसमेंट्स देखें, तभी एडमिशन लें। क्योंकि एजुकेशन दोस्तों सिर्फ एडमिशन लेने से नहीं आती, एजुकेशन पढ़ने से आती है। ज्ञान अर्जित कीजिए, जितना ज्ञान अर्जित करोगे उतनी ऊर्जा आप में होगी, उतना कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बात कर पाएंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन से अपडेट रख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।